Hello all, welcome to the video lecture series of integrated circuits, and this is lecture number 6. So in the last lecture we have seen the ideal and the practical characteristics of op-amp. Now let us discuss about the few concepts of open and closed loop op-amps. So we'll see the two configurations over here, open configuration and the closed loop op-amp configuration, right? So let us talk about the open loop configuration of an op-amp. The meaning of an open loop operation is that there is absolutely no feedback present from output to input. So jo diagram given hai, isme you can see there is no feedback from output to the input. Op-amp hai, hamare paas do input hai. First one is inverting input, which is V1. Second one is non-inverting input, which is V2. And jo difference hai dono input ke beech mein, what is that? What that is VD. And VD is basically V1 minus V2, difference of two input voltages. Obviously, हमारे पास यहाँ दो suppliers होंगी, plus VCC and minus VEE, right? So let me write here plus VCC and minus VEE. Okay, and then we have an output which is mentioned as V0, and it is equal to gain into differential voltage, differential input voltage, which is VD. So, ये हमारा सिंपल एक ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है और जिसका जो ट्रांसफर कर्व है वो कैसे आता है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इसका वैल्यू कैसे आएगी प्लस वीसीसी से ज्यादा आउटपुट नहीं आ सकती बिकॉज हमारी जो मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज है वो प्लस वीसीसी है एंड मिनिमम सप्लाई वोल्टेज है वो माइनस वीई है तो कोई भी वैल्यू आएगी लेकिन प्लस वीसीसी से ज्यादा नहीं होगी और माइनस वीई से कम नहीं होगी दैट इज व्हाई इस पॉइंट पर आके ये वैल्यू सैचुरेट हो रही है एंड सिमिलरली ग्राफ यहाँ पर आकर सैचुरेट हो रहा है तो जो हमारी वैल्यू है जो हमारा आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू प्लस वीसीसी से लेके माइनस वीई के बीच में ही आएगी राइट सो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पर एक और चीज दे सकते हैं कि जैसे ये मेरा ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है देयर इज नो फीडबैक और अगर मैंने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर प्लस मिली वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड किया है तो मेरे पास आउटपुट जो है क्योंकि प्लस टर्मिनल पर है तो आउटपुट क्या आना चाहिए प्लस टर्मिनल है प्लस वोल्टेज है मैं प्लस वोल्टेज प्रोवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा प्लस वीसीसी या प्लस वी मैक्स से ज्यादा आउटपुट नहीं आ सकता ठीक है इससे ज्यादा आउटपुट नहीं आ सकता सिमिलरली अगर मैंने माइनस मिली वोल्ट की वोल्टेज प्रोवाइड किया है माइनस में है तो वो माइनस वीई से कम नहीं जा सकता उससे कम उसकी आउटपुट नहीं आएगी सो ये लेकिन सिर्फ हमारा ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है क्योंकि अभी तक यहाँ इसमें कोई भी फीडबैक मेंशन नहीं है बट हमें क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत क्या होती है व्हाई डू वी नीड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन व्हेन वी कैन ऑल्सो यूज द ओपैम्प इन एन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि एज वी नो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का गेन ज्यादा होता है तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत ही क्या है ओके सो लेट अस डिस्कस दैट फर्स्ट वन इज ड्यू टू वेरी लार्ज ओपन लूप गेन डिस्टॉर्शन इज इंट्रोड्यूस इन द एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल बहुत ज्यादा गेन होने की वजह से जो सर्किट है उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है और डिस्टॉर्शन का रीजन और भी क्या हो सकता है जो गेन है वो कांस्टेंट नहीं रहता है क्यों क्योंकि जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो भी सर्किट पे पड़ेगा टेम्परेचर चेंज की वजह से सप्लाई वोल्टेज चेंज की वजह से जो आपका आउटपुट है उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा जो गेन है वो चेंज हो जाएगा ऑलराइट जो बैंडविड्थ है ओपन लूप गेन की वो भी बहुत स्मॉल होती है बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो बैंडविड्थ हो वो इनफाइनाइट हो ठीक है तो यही कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से गेन हाई होने की वजह से गेन हाई होने के बावजूद हम क्लोज लूप गेन को कंसिडर करते हैं क्यों क्योंकि हमारा पर्पस क्या रहता है गेन तो अच्छा हो ही लेकिन हमें चाहिए कि हमारे सर्किट में नॉइज ना हो डिस्टॉर्शन ना हो टेम्परेचर इफेक्ट कम हो एक्सटर्नल इफेक्ट्स कम हो उसमें दैट इज वाई हम क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में स्टडी करते हैं क्योंकि क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में हम फीडबैक लूप यूज करते हैं और फीडबैक का पर्पस ये होता है कि जो चेंजेस हमें करने हैं वो थ्रू फीडबैक में हम थ्रू फीडबैक हम आउटपुट में वो चेंजेस प्रोड्यूस कर सकें तो फीडबैक बेसिकली एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं हम सर्किट में और हम चाहते हैं कि हम एक स्टेबल सर्किट को डिजाइन कर सकें यूजिंग क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ओके सो लेट अस टॉक अबाउट क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन सो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली होता क्या है वी इंट्रोड्यूस फीडबैक इन द सर्किट फीडबैक का मतलब क्या है आउटपुट से आपके पास एक कनेक्टिविटी होती है टू द इनपुट
बट फीडबैक भी दो टाइप का हो सकता है. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव फीडबैक और इट इज नोन एज रीजनरेटिव फीडबैक ऑल्सो, और इट कैन बी नेगेटिव फीडबैक विच इज नोन एज डीजनरेटिव फीडबैक. ओके, सो लेट अस सी बोथ द फीडबैक वन बाय वन. So first one is the positive feedback, or which is also known as regenerative feedback. So positive feedback हम कब बोलते हैं? जब हमारी जो output voltage है, अब आप इस diagram में देखिए, op amp है, दो input terminals हैं, पहला terminal positive है, second terminal हमारा negative है. जब feedback हमने output से दी है non-inverting terminal पे, non-inverting terminal मतलब जो हमारा positive terminal है, जो मेरी जो आउट फीडबैक है वो अगर मेरी नॉन इन्वर्टिंग इन टर्मिनल्स पर जा रही है, देन दैट फीडबैक इज नोन एज माय पॉजिटिव फीडबैक और रीजनरेटिव फीडबैक. ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, इफ द फीडबैक सिग्नल एंड द ओरिजिनल इनपुट सिग्नल आर इन फेज, अगर दोनों फेज में है, देन इट इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक. ठीक है, आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि दोनों अगर फेज में हो तो, क्योंकि फेज में कब होता है, हमने ऑलरेडी पिछले कॉन्सेप्ट्स में ये क्लियर किया था कि फेज में कब होता है इनपुट सिग्नल, जब इनपुट आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर देते हो. तो अगर वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया हुआ है आपने, या वो फीडबैक पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो वो हमारा पॉजिटिव फीडबैक होगा. ठीक है, और पॉजिटिव फीडबैक हम बेसिकली ऑसिलेटर्स में, ट्रिगर्स, कंपैरेटर्स में यूज करते हैं. नेगेटिव फीडबैक कब होता है, जब सेम प्रोसीजर है, हमारा आउटपुट से जो टर्मिनल वो कनेक्शन होगा वो नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड हो, तो वो हमारा नेगेटिव फीडबैक हो जाता है, क्योंकि इस केस में हमारा जो इनपुट और जो आउटपुट होता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है. ठीक है, सो दैट इज वाई हम इसे नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा जो आउटपुट है इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ओपैम्प, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, दैट इज वाई इट इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक. ठीक है, सो हम एप्लीकेशंस में नेगेटिव फीडबैक ही यूज करते हैं. नेगेटिव फीडबैक के बारे में और क्या है हमारे पास, इन द एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग ओपैम अ फीडबैक रेजिस्टर आरएफ इज कनेक्टेड बिटवीन द आउटपुट एंड द इनवर्टिंग टर्मिनल इज एज शोन इन द फिगर टू इंट्रोड्यूस द नेगेटिव फीडबैक. हमने आरएफ को इंट्रोड्यूस किया है फीडबैक में अप्लाई करने के लिए. और जब हम इस तरह का सर्किट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी फीडबैक नेगेटिव पर है और हमने इनपुट भी वी टू पर दिया है, तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, वो इन्वर्टेड होगा, या यू कैन से दैट कि इट विल बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. ठीक है, ओके, सो नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेजेस क्या होते हैं. द क्वेश्चन इज कि हम मोस्टली, हमने अभी बात की कि ओपैम्प पे हम मोस्टली नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं. व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक ओवर पॉजिटिव फीडबैक. सो नेगेटिव फीडबैक बेसिकली स्टेबलाइजेस द गेन, ये गेन को स्टेबल करता है. ठीक है, यही हमारी सबसे बड़ा कंसेप्ट था जब हम आए थे कि हमें गेन को स्टेबल करना है. सो गेन को स्टेबल करता है, डिस्टॉर्शंस को कम करता है, बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है, और इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस में चेंजेस लेके आता है. ठीक है, रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड सप्लाई वोल्टेज ऑन द आउटपुट ऑफ द ओपैम्प, जो टेम्परेचर और सप्लाई वोल्टेज का इफेक्ट होता है उसे भी कम करता है. सो ये सारे एडवांटेजेस हमें नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं. नेगेटिव फीडबैक का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज क्या है कि इसका जो गेन है वो कम होता है. क्यों? लेट अस चेक फ्रॉम दिस डायग्राम. ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें आप देख सकते हैं, मैंने एक फॉरवर्ड सर्किट लिया है जिसका गेन जी है, और फीडबैक कंपोनेंट मैंने बीटा ले लिया है, ये मेरा फीडबैक है. ये प्लस माइनस ये शो करता है कि जो फीडबैक है इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. मैंने दोनों मेंशन किए हैं, पॉजिटिव फीडबैक वोल्टेज के, नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज के. अगर पॉजिटिव है तो क्या होता है, नेगेटिव है तो क्या होता है. अगर पॉजिटिव फीडबैक जा रहा है तो हमारा जो वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन मतलब वी आउट बाय वी इन, वी आउट बाय वी इन जो है हमारा वो क्या होता है, वो जी इज अपॉन वन माइनस जी बीटा आ रहा है. ठीक है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक में इट विल बी जी अपॉन वन प्लस जी बीटा. डिनोमिनेटर में नेगेटिव में प्लस हो जाता है, पॉजिटिव में नेगेटिव हो जाता है. तो यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन है कि अगर ये यहाँ डिनोमिनेटर में वन माइनस जी बी है, तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव फीडबैक की वैल्यू जो है, अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो हमारा गेन जो है वो ज्यादा होगा. ठीक है, सो जो पॉजिटिव फीडबैक वोल्टेज गेन है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज गेन. ठीक है, तो गेन हमारा पॉजिटिव फीडबैक का ज्यादा होता है. बस यही डिसएडवांटेज है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन की, नेगेटिव फीडबैक हमें गेन कम देता है, लेकिन स्टेबिलिटी नेगेटिव फीडबैक की ज्यादा होती है. दैट इज वाई डिस्टॉर्शन कम प्रोवाइड करता है, बैंडविड्थ ज्यादा प्रोवाइड करता है,
दैट इज वाई हम नेगेटिव फीडबैक को यूज करते हैं सर्किट्स में. सो आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे हम जितने भी एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं नॉन लीनियर एप्लीकेशन या लीनियर एप्लीकेशन में मोस्टली वी यूज नेगेटिव फीडबैक बिकॉज इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सिस्टम. राइट ओके. Now, there is another concept of virtual ground and virtual shot of OPAMP. Let us check there. First one is, according to virtual shot concept, the potential difference between the two input terminals of an OPAMP is almost zero. Agar virtual shot concept ke according dekhe, basically, OPAMP ki property kya kehti hai? Wo ye kehti hai ki jo OPAMP hai, uske dono terminals pe same potential appear hona chahiye. जो पोटेंशियल इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है वही पोटेंशियल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी अपीयर होना चाहिए. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वर्चुअली शॉर्ट दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे, दैट मींस दोनों वर्चुअली शॉर्ट होंगे. ठीक है, सो दैट कंसेप्ट इज नोन एज अ वर्चुअली शॉर्ट. वर्चुअल ग्राउंड हम कब बोल सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल शॉर्ट को आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ. जैसे कि यहाँ पर हमारा इनपुट इम्पीडेंस मैंने लिखा हुआ है, इट इज इनफाइनाइट. अगर ये इनफाइनाइट है, सप्लाई वोल्टेजेस प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी है, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट है, दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल इज वी वन एंड वी टू है. ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगा तो इनपुट करंट टू दिस ओपैम्प विल बी जीरो. और अगर इनपुट करंट जीरो है, इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, तो इसका मतलब दोनों ही टर्मिनल्स पर सेम पोटेंशियल है. कैसे? The input impedance RI of an op-amp is ideally infinite, hence the current I flowing from one input terminal to other will be zero. Thus the voltage drop across RI will be zero and both the input terminals will be at the same potential. In other words, they are virtually short to each other. Input resistance ideally high hai, infinite hai, to input current zero hoga. Input current zero hoga, to wahi current, agar is circuit ke according dekhe, to wahi current यहां से लेके थ्रू दिस रेजिस्टेंस इसमें फ्लो करता है. और अगर वो करंट जीरो फ्लो कर रहा है तो दैट मींस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी जीरो हो जाएगा. और अगर वो भी जीरो होगा दैट मींस वो दोनों सेम पोटेंशियल पर अपीयर हो जाएंगे. ओके, सो इस कंडीशन को हम वर्चुअली शॉर्ट कंडीशन बोलते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट. वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज वेरी सिंपल कि अगर एक टर्मिनल नेगेटिव फीडबैक में, अगर आपने नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड किया है और एक टर्मिनल अगर आपका ग्राउंडेड है तो दूसरा टर्मिनल ऑटोमेटिकली वर्चुअली ग्राउंडेड हो जाता है. सो आई हैव रिटन, इफ नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल ऑफ ओपैम्प इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड एज शोन, देन ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल्स, द इनवर्टिंग टर्मिनल विल ऑल्सो बी एट ग्राउंड टर्मिनल, हेंस इट इज सेड टू बी वर्चुअल ग्राउंड. वर्चुअल शॉर्ट के हिसाब से इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगा. इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से जो यहाँ जो करंट है वो भी जीरो होगा और वही करंट थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस दूसरे टर्मिनल पे भी फ्लो करता है. तो ये दोनों जो है ये दोनों वर्चुअली शॉर्ट हो जाएंगे. लेकिन क्योंकि इसमें से एक टर्मिनल ग्राउंडेड है तो इसीलिए वर्चुअल शॉर्ट की जगह हम इसे वर्चुअली ग्राउंड भी बोल देते हैं. क्योंकि यहाँ पर अगर ग्राउंड पोटेंशियल अपियर हो रहा है तो दूसरे टर्मिनल पर भी ग्राउंड पोटेंशियल अपियर हो जाएगा virtually, that is why it is known as virtually grounded. All right, so this is all about virtual ground concept, virtual short concept and the other concepts of op-amp. So if you have any query you can post in the chat box. Thank you so much.